नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेस्टी व्यंजन में। मैं आज बनाने जा रही हूँ आटे का हलवा और इसे गुरुद्वारे का कड़ा प्रसाद भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। हलवा बनाने से पहले मैं सबसे पहले शक्कर का घोल तैयार कर लूँगी। मैंने ले लिया है 1 कटोरी शक्कर और उसमें मैं डाल दूँगी 2 कटोरी पानी। हमें बस शक्कर पिघलने तक ही इसे पकाना है। जैसे ही शक्कर पिघल जाएगा उसके बाद मैं इसे उतार दूंगी गैस से। और अब मैंने ले लिया है कढ़ाई और उसमें मैं डाल दूंगी 1 कटोरी घी। आटे के हलवे में 1:1:1 का रेशियो रहता है। मैं इस हलवे में कोई भी ड्राई फ्रूट्स नहीं डालूंगी। घी के गर्म होते ही साथ मैं इसमें डाल दूंगी 1 कटोरी आटा, पर इसे धीरे धीरे करके डालूंगी एक हाथ से और एक हाथ से इसे चलाते रहूंगी ताकि इसमें लम्स ना पड़े। गैस का फ्लेम मैंने लो रखा है और इसे ऐसे ही चलाते रहूंगी जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर नहीं हो जाता। इस हलवे में बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट्स का उपयोग होता है और बहुत ही जल्दी बन जाने वाला हलवा है ये। तो जब तक कि मैं आटा भून रही हूँ और जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें मेरा चैनल और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए। कम फ्लेम में ही इसे कंटिन्यूस चलाते रहना है, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। और धीरे धीरे ये गोल्डन ब्राउन कलर हो रहा है आटे का। लगभग 20 मिनट इसे चलाने के बाद जो आटे का कलर है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है। ये देखिए बहुत अच्छा कलर हुआ है, आटा अच्छे से पक चुका है घी में। अब मैंने जो शक्कर का घोल बनाया था वो इसमें मैं धीरे धीरे करके डाल दूंगी। जितना घोल मैंने तैयार किया था वो पूरा इसमें डाल दिया है मैंने। और इसे अब कम फ्लेम में ही मैं पकाऊंगी तब तक कि जब तक इसका घी ना छोड़ने लगे। और जब भी आप इस आटे के हलवे में पानी डालें तो बहुत ही सावधानी से डालें। मैं इसे 5 मिनट और पका लूंगी कम फ्लेम पे ही। तो ये तैयार है गुरुद्वारे का कड़ा प्रसाद। मैं इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स नहीं डालूंगी, ये ऐसे ही खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आप तक के पहुंच सके। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है टेस्टी व्यंजन 11। थैंक यू।